मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरे प्रिय भाइयों बहनों को, हर एक व्यक्ति को प्रेम भरी बधाई। विशेष रूप से जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने लोग मिले हुए हमारे परिवार हैं, सभी लोगों को वापिस आपसे मिलना परमेश्वर का अनुग्रह है। इन दिनों में सुबह में परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। दूसरी बात, हर एक दिन की जो सच्चाई है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है ना, उसे याद करके परमेश्वर की स्तुति कीजिए। इन सोचों को जो परमेश्वर मेरे दिल में दिया है, उसकी स्तुति हो। ठीक है, आज परमेश्वर हमसे बात करने के लिए एक खुले दिल से, मैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता हूँ तो उसे आप ध्यान करें। मैं प्रेम से ही हमें आपसे विनती करता हूँ, कोई 4 मिनट 5 मिनट के बाद एक प्रार्थना करेंगे उसके पास, उसके बाद भूल मत जाइए। आज पूरा दिन जो है इसे याद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति लगातार आप करते रहिए अपने कामों को। आज जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है, उन्हें आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अर्पित कीजिए, परमेश्वर आपके लिए सहायता करता रहेगा। ठीक है, वचन पर चलते हैं। प्रेरितों के काम 9:22 ऐसा बताता है, परंतु जब शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। यह वचन बहुत ही जरूरी है। वचन बताता है कि शाऊल प्रतिदिन जो है सामर्थी होता गया। प्रेरित पौलुस जब शाऊल था, तब दमिश्क के गली में परमेश्वर के द्वारा छुआ गया, फिर उसके बाद शहर में जाकर परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार जाकर उपवास करके प्रार्थना करता है, वहां परमेश्वर से मिलता, अभिषेक करता है, परमेश्वर बुलाता है, उसके अनुग्रह के द्वारा सेविकाई में आता है। उसी अधिकार में परमेश्वर के लोगों, 20वें वचन में, वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे एक परमेश्वर के व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है कि शाऊल और सामर्थी होता गया, परमेश्वर उसे और सामर्थी बना रहा है। कौन है वह? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और शाऊल का कोई संबंध नहीं था, ऐसी परिस्थिति भी थी, पर पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाने के कारण पवित्र आत्मा उसे सामर्थी बनाता है। आमेन। वह सामर्थी होता गया इसलिए दमिश्क में जो यहूदी थे सब मुंह बंद करते रहे। हे परमेश्वर के लोगों, आज आपकी परिस्थितियां शायद आपको जो है आंसू बहाने लायक करती होंगी, आपके कामकाजी में आर्थिक समस्याएं वेदना से भरी हुई हो सकती है, कलंकित हुए होंगे, पर मैं बाइबल को लेकर परमेश्वर के वचन से कहता हूं, जो आपको समस्या में रखती है उसके लिए आप समस्या बन जाओगे। एक बात अच्छी तरह समझ जाइए मेरे प्रिय लोगों, अभिषेक ही उसका रहस्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही जो है उसका रहस्य है, वह जरूरी है। तो आज परमेश्वर आपको साहस से रखता है, आपको सामर्थ्य बनाता है, अभिषेक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ऐसे विश्वास की बातें लगातार बोलते रहिए। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से, बहुत ही प्रेम के साथ मैं आपसे मांगता हूं। प्रेरितों के काम 9:17 में हनन्याह जाकर परमेश्वर के नाम से इस शाऊल को जो है सामर्थ्य बनाता है। पर अब यहां पर देखते हैं, परमेश्वर उसे और सामर्थ्य करता रहा और परमेश्वर के विरोध में जो लोग थे उनका मुंह बंद करने लायक उसे उपयोग करता है। मैं कहता हूं आज आपको सामर्थ्य बनाएगा यीशु के नाम से। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु तेरे नाम से जो कुछ हम मांगेंगे तूने कहा कि हम जरूर देंगे, तेरे ही वचन के अनुसार तेरे बच्चों के हृदय को और सामर्थ्य बना, उनकी सोचों को और सामर्थ्य बना, किसी भी चीज को लेकर, जिस जिस चीज को लेकर वो आज रोते हैं,
वह सभी चीजें ईश्वर के नियम से हट जाए, परमेश्वर के नाम से उन्हें सामर्थ्य बना। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर का धन्यवाद, ऐसा ही तू करने वाला है। निराश न होकर साहत के साथ तेरे लिए जिए और उन्हें सामर्थ्य से भरपूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर में सदा सामर्थ्य रहो, हिम्मत से रहो। दूसरी एक और बात, दूसरों को जरूर शेयर करें। ठीक उसी तरह जो एक्सपीरियंस आज पाया या फिर जो आपके मन में परमेश्वर ने प्रकट किया, उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, आशीष पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।